नासा के सैटेलाइट ने इंडियन ओशियन की एक ऐसी पिक्चर पब्लिश की जिसमें पानी के अंदर कुछ ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहे हैं। लोकल्स का मानना था कि ये ब्रिज हिंदू गॉड लॉर्ड रामा ने बनवाया था, जो मैजिक ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। ये माना जाता है कि जिन पत्थरों से लॉर्ड रामा जी ने ये ब्रिज बनवाया था वो पानी में तैरने वाले पत्थर थे, और ऐसे पत्थर आज भी इस एरिया में पाए जाते हैं। साइंसदानों ने जब रिसर्च की तब पता चला ब्रिज को बनाने में पत्थर जिस चीज पर रखे गए हैं वो एक सैंड बार है। उनको इस बात के काफी सबूत भी मिल चुके थे कि ये सैंड बार तो बिल्कुल नेचुरल है, लेकिन इस पर रखे गए पत्थर और कहीं से लाए गए हैं। जब सैंड बार और उन पत्थरों की एज मालूम करने के लिए रेडियो कार्बन डेटिंग की गई तो जो मालूम पड़ा उसे जानकर एक्सपर्ट के होश उड़ गए। उन्हें पता चला कि ये पत्थर 7000 साल पुराने हैं, जबकि सैंड बार 4000 साल पुराना था। आखिर ये पत्थर कहाँ से आए, ये साइंस के लिए आज भी एक मिस्ट्री बनी हुई है।